सो हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिनके ऊपर आपको काफी अच्छे कैमरे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपका बजट है 12,000 या 12,000 से कम और आप 12,000 में एक ऐसे स्मार्टफोन की तलाश में हो जिससे आप एक काफी अच्छी फोटोग्राफी कर पाओ, यानी कि बजट के अंदर एक कैमरे स्मार्टफोन आप लोग देखना चाह रहे हो, तो आज मैं आपके लिए 5 ऐसे मोबाइल फोन को सिलेक्ट करके लाया हूँ जिनके ऊपर आपको काफी अच्छे खासे कैमरे मिल जाएगा, यानी कि 48 मेगापिक्सल की कैमरे का सेटअप दिया जाएगा। और कैमरे के अलावा भी इन मोबाइल फोन पर आपको काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन और काफी अच्छा डिजाइन यहाँ पर दिया जाएगा। तो हे गाइस, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं फालतू टेक। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग 200 लाइक्स को काफी जल्दी कंप्लीट कर दोगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 5 मोबाइल फोन की। आज के इस लिस्ट में, यानी कि आज के इस कैमरे स्मार्टफोन की लिस्ट में नंबर 5 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी F12 या सैमसंग गैलेक्सी M12। यानी कि दोस्तों सीरीज का ही फर्क है, दोनों मोबाइल फोन पर आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिलती है। प्राइसिंग की बात करिए तो लगभग 11,000 में मिलेगा, डिस्काउंट का फायदा उठाओगे तो 10,000 की कीमत में मिल जाएगा। 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करिए तो 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, HD+ का रेजोल्यूशन, वाटर ड्रॉप नोच और 90Hz फ्रेश रेट दिया जाएगा, यानी कि स्मूथ डिस्प्ले मिलेगी बट यहाँ को कोई भी हाई रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। Exynos 850 का प्रोसेसर दिया जाएगा और यहाँ पर माली G52 का GPU भी मिल जाएगा। 1TB तक आप इसके स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो। 48 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया है और यहाँ पर आपको जो फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। इससे आप 108 पिक्सल में 30fps पर रियर कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। डाउनग्रेड ये है कि यहाँ पर आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, मैक्सिमम आप 108 पिक्सल में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। कैमरे के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 की प्राइस की बात करें तो सैमसंग जैसे ब्रांड की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको डिसेंट से कैमरा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो बात करते हैं नंबर 4th पोजीशन पर आने वाले कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन की। तो आज के इस लिस्ट में नंबर 4th पोजीशन पर आता है इन्फिनिक्स होट 10S। दोस्तों, इन्फिनिक्स होट 10S कुछ दिनों पहले इंडिया के टेक मार्केट में 10,000 की कीमत में लॉन्च किया गया है। 10,000 की कीमत में यहाँ आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा कि इसका प्राइमरी कैमरा ही बेस्ट है, बाकी के दो सेंसर है वो तो आपको फालतू के देखने को मिलते हैं। और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोस्तों, वाकई में जो इन्फिनिक्स होट 10 है 10,000 की कीमत में काफी अच्छे परफॉर्मेंस देता है कैमरे के अंदर। इससे आप मैक्सिमम 108 पिक्सल में 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। रियर पर भी आपको LED फ्लैश मिलती है, फ्रंट साइड पर भी आपको LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी। फ्रंट कैमरे से भी आप लोग फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। यहाँ पर आपको ब्यूटी और कई सारे मोड्स दिए गए हैं, स्लो मोशन का भी मोड यहाँ पर आपको दिया गया है। अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर दी गई है 6.8 इंच की डिस्प्ले, HD+ का रेजोल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, वाटर ड्रॉप नोच स्टाइल की एक डिस्प्ले मिलती है, 180Hz का टच सैंपल रेट मिल जाएगा। दोस्तों, इन्फिनिक्स होट 10S पर आपको काफी स्मूथ और काफी बड़ी डिस्प्ले मिलती है। मीडियाटेक हीलियो G85 का काफी पावरफुल प्रोसेसर यहाँ दिया गया है, माली G52 का GPU, बेस वेरिएंट में 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज में मिलते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस आप इससे काफी अच्छी ले सकते हो। बैटरी यहाँ दी गई है 6000 mAh की बट यहाँ पर टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है। और बॉक्स के अंदर आपको 10W का अडोप्टर मिलेगा बट ये स्मार्टफोन 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर रियर साइड पर दिया गया है और यहाँ पर फेस अनलॉक और एंड्रॉइड 11 के साथ XOS की कस्टम UI दी गई है। 10,000 की कीमत में देखा जाए तो इन्फिनिक्स होट 10S मेरे हिसाब से एक बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। दोस्तों, मुझे कभी भी नहीं लगा कि इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन होंगे इनसे हम एक अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस ले सकते हो, बट गाइस, वाकई में जब मैंने इन्फिनिक्स होट 10S को यूज किया, 48 मेगापिक्सल कैमरे से आप लोग इससे काफी अच्छी पिक्चर कैप्चर कर सकते। अगर हम बजट को मद्देनजर रखें तो, क्योंकि दोस्तों ऊपर जाओगे तो इससे अच्छे अच्छे कैमरे आपको देखने को मिल जाएंगे, नो डाउट 15-16 हज़ार में आपको Realme 8 जैसे स्मार्टफोन मिलते हैं, बट 10,000 की कीमत में इन्फिनिक्स होट 10S वाकई में बेस्ट मोबाइल फोन है। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर आता है Realme Narzo 20। Realme Narzo 20 अभी के टाइम में आप जाकर देखोगे तो 10,000 की कीमत में मिल जाएगा। 10,000 की कीमत में ये स्मार्टफोन बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे का सेटअप, वाइड एंगल सेंसर और डेप्थ सेंसर मिल जाता है, यहाँ पर मैक्रो सेंसर मिसिंग आपको मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया जाता है बट इससे आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि एक बजट स्मार्टफोन है। बहुत ही कम ऐसे बजट स्मार्टफोन होते हैं जिनसे आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाते हो, बट मैक्सिमम यहाँ 108 पिक्सल में फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग।
पाओगे, और फ्रंट कैमरे से भी आप फुल एचडी में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और देखा जाए तो यहाँ पर आपको काफी पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है मीडियाटेक हेलियो G85 का, हालांकि थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, बट अभी के टाइम में भी आप इससे काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस ले पाओगे। मान लीजिए G52 का GPU मिलता है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज है, SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट है, 6.5 इंच के SD प्लस डिस्प्ले जो आती है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, डिस्प्ले और गेमिंग के हिसाब से भी स्मार्टफोन काफी अच्छा है। बैटरी 6000 mAh की मिलती है, 18 वाट के चार्जिंग, Android 10 के साथ Realme UI और फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलते हैं। बट कैमरे के डिपार्टमेंट में Realme Narzo 20 वाकई में काफी अच्छे शॉट्स आप इससे कैप्चर कर सकते हो। फोटोग्राफी के शौकीन हो, कम बजट कम है, तो Realme Narzo 20 आपके लिए बेस्ट होगा। दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर दो स्मार्टफोन आते हैं, पोको M3 और Redmi 9 Power। दोनों मोबाइल फोन पर सेम स्पेसिफिकेशन दी गई है, प्राइस आप लोगों को करीब 10,000 और 10,500 के आसपास मिल जाएगी, क्योंकि मोबाइल फोन के जो प्राइस है वो फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। स्पेक्स की बात करें तो 6.53 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो फुल एचडी प्लस के रेजोल्यूशन के साथ आती है, IPS LCD पैनल के साथ वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है, और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर, 6000 mAh की बैटरी दी जाती है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज बेस वेरिएंट में आपको Redmi 9 Power पर मिलेगा, बट M3 पर आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा SD कार्ड का। बट अगर हम कैमरे की बात करें तो पोको M3 पर 48MP के ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, और Redmi 9 Power पर 48MP के क्वाड कैमरे का सेटअप है। Redmi 9 Power पर आपको वाइड एंगल सेंसर मिलेगा जो पोको M3 पर आपको मिसिंग देखने को मिलेगा। दोनों मोबाइल फोन 8MP के सेल्फी कैमरे के साथ आते हैं, बट इससे भी आप हाई 108 पिक्सल में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, क्योंकि 4K का यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, बट स्लो मोशन में आप यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, काफी अच्छी अच्छी पिक्चर कैप्चर कर पाओगे बजट के हिसाब से अगर हम बात करें तो। और यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट भी दिया गया है। 10,500 और 10,000 की बात करें तो मेरे हिसाब से जो पोको M3 है और Redmi 9 Power है ये वाकई में काफी अच्छे है। कैमरे के अलग भी इन पर आपको काफी अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तो दोस्तों नंबर 2 पर आने वाले स्मार्टफोन भी वाकई में काफी बेस्ट है, बट अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 स्मार्टफोन की। दोस्तों पर्सनली ये मेरा फेवरेट स्मार्टफोन है। अगर दोस्तों बजट कैटेगरी के अंदर मैं बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन या बेस्ट डिस्प्ले स्मार्टफोन की बात करूं तो नंबर 1 पर आने वाले स्मार्टफोन वाकई में काफी अच्छा है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 10 की। Redmi Note 10 12,500 की कीमत में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर आप डिस्काउंट वगैरह ले रखते हो और ऑफर का फायदा उठाते हो तो करीब ये स्मार्टफोन आपको 11,500 तक की कीमत में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको काफी अच्छे स्पेक्स देखने को मिलती है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के कैमरे डिपार्टमेंट की, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा जो टारगेट है वो कैमरे को लेकर ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैमरे की, तो यहाँ पर 48MP के क्वाड कैमरे का सेटअप मिलते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इस मोबाइल फोन के रियर कैमरे से आप 4K में 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 108 पिक्सल में आप 60fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। वाइड एंगल सेंसर, डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलते हैं। 13MP का सेल्फी कैमरा है जिससे आप 108 पिक्सल में 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको स्लो मोशन और काफी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे पैनोरामा जैसे, और जो बेसिक फीचर्स होते हैं सभी कैमरे के ऊपर देखने को मिल जाएगी। बट वाकई में मैं बताऊँ तो Redmi Note 10 के अंदर जो कैमरे के अंदर ऑप्टिमाइजेशन की गई है वो वाकई में काफी अच्छी की गई है, काफी अच्छे आउटपुट कैमरे के अंदर निकल कर आती है अगर हम बजट कैटेगरी की बात करें तो। बात करें डिस्प्ले की तो 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों सोचकर देखिएगा, आपको अगर बजट के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है तो नो डाउट काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन और यहाँ पर आपको एक सेंटर पंचुअल कटआउट दिया गया, काफी छोटे छोटे बेजल्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 678 का प्रोसेसर, एड्रेनो 618 का GPU दिया गया है। बेस वेरिएंट में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिल जाएगा। SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट, 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट दिया गया, Android 11 के साथ MIUI 12.5 भी मिलती है। तो Redmi Note 10 वाकई में काफी अच्छा स्मार्टफोन है, चाहे हम कैमरे की बात करें, चाहे बात करें हम डिस्प्ले की, चाहे बात करें हम दोस्तों मोबाइल फोन के प्रोसेसिंग पावर की। तो एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है Redmi Note 10 का, बजट है तो 12,500 तक अगर आप बाई कर सकते हो तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप लोग Redmi Note 10 की तरफ जा सकते हो। वैसे 10,000 की कीमत में आपको और कई सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, बट मेरे हिसाब से जो मैंने आपको स्मार्टफोन बताया है ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, इन स्मार्टफोन को आप बाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी।